मंत्री का बड़ा दांव, चुनाव के बीच उठाया आरक्षण का मुद्दा। बिहार विधानसभा चुनाव में अचानक नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। उन्होंने जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की वकालत की है। उन्होंने कहा कि मेरी हमेशा से यही राय रही है कि जातियों को उनकी आबादी के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। बता दें कि बिहार के रण में पार्टियां वोटों के लिए जीतोड़ कोशिश कर रही हैं। 3 नवंबर को बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली है। रोजगार और कानून व्यवस्था से लेकर घोटालों की जमकर चर्चा हो रही है, लेकिन अब बारी आ गई है नए सियासी औजारों को आजमाने की। इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार ने आरक्षण का दांव चला है। एक एक चीज को याद रखिए, और संख्या वगैरह का सवाल है वो तो जो जनगणना होती है और उसी से बाद निर्णय होता है, और ये निर्णय कोई हम लोगों के हाथ का नहीं है। जनगणना वाला हम लोग तो चाहेंगे नहीं, जितनी आबादी है उस हिसाब से उसको रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए, जिसमें हम लोगों को कहीं कोई जोड़ा है। अब ये तो बिहार चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि आखिर उनका यह दांव कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि देश में कई बार कई पार्टियां पहले भी ये दांव चल चुकी हैं, लेकिन उन्हें इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली है। स्पेशल डेस्क टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।